4 बजे तक ड्यूटी करती होगी और बाथरूम नहीं है, कहाँ जाए? कि आपका अगर महीना भी चल रहा है, पीरियड्स चल रहे हैं, तो आप कहाँ जाओगे? अगेन हम ये कितना ग्रांटेड लेते हैं ना कि बाथरूम तो है ही ना सबके पास, और शहर में ये कोई गांव तो है नहीं जहाँ कोई खेत में जा रहा हो। लाइट्स कैमरा आजादी एक ऐसा शो है जो हस्तियों को ढूंढ रहा है। ये वो हस्तियां हैं जिनने हमेशा समाज को चुनौती दी है। ये वो लोग हैं जो हमेशा निडर, आत्मविश्वासी और अग्रिम रहे हैं। भले ही जनता ने कभी इन्हें सराहा ना हो, मगर इन्होंने हमेशा देश के लिए काम किया है। हम इनसे बात करके इनका नज़रिया समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये लोग समाज को कैसे देखते हैं, और ये सीखना चाहते हैं कि ज़िंदगी को बिना डरे कैसे जिया जाए। मेरा नाम है वंदित जैन और मैं इन कहानियों को आप तक लाने का बस एक माध्यम हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइट्स कैमरा आज़ादी। फ्रॉम PM टू PM केयर्स, डिफेंस टू एक्सटर्नल अफेयर्स, लोकसभा टू राज्यसभा टू विधानसभा, हमें सब खबर होती है कि कौन सी सरकार क्या कर रही है। बट क्या हमें ये पता है कि हमारी कॉलोनी का पार्षद कैसा काम कर रहा है? काम छोड़ो, क्या हमें उसका नाम पता है? नाम छोड़ो, क्या हमें ये पता है कि पार्षद का काम क्या होता है, और विधायक से कैसे काम अलग होता है पार्षद का? मैं इस बात पे बहुत विश्वास रखता हूँ कि अगर हमें इस देश की जमहूरियत को और मजबूत बनाना है तो हमें हमारी लोकल डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना होगा, एक ग्रास रूट लेवल पे जाके। हमें जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लोकल कोऑपरेटर्स, म्यूनसिपल काउंसलर्स ने क्या काम किया। हर रोज़, हर हफ्ते अपडेट लेनी है हमको, और जब इन नेताओं को यह आदत पड़ जाएगी इस पब्लिक प्रेशर की, तभी हमारी डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग होगी। यास्मीन जी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है और बहुत आई ओपनिंग फिल्म्स बनाती हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये पॉलिटिक्स में बहुत यंग है। दरियागंज क्षेत्र से ये म्यूनसिपल काउंसिलर है और मेरी उनसे मुलाकात एक ट्विटर रिकमेंडेशन से हुई, और मैंने सोचा क्यों ना उनको शो पे बुलाया जाए और जाना जाए कि अरे भाई ये पार्षद काम क्या करते हैं। दिस एपिसोड इज ब्रॉट टू यू बाय मीवा नेचुरल्स। मीवा इज अ होममेड ब्रांड डेडिकेटेड टू योर पर्सनल केयर एक्सपीरियंस। वी मेक प्रोडक्ट विद डेडिकेशन, लव एंड अ टच ऑफ नेचर। वी डू नॉट यूज एनी केमिकल्स और हार्मफुल सब्सटेंसेस इन आवर प्रोडक्ट्स, एंड टू एंश्योर यू गेट द बेस्ट फीलिंग विच इज लॉन्ग लास्टिंग। मीवा मेक्स प्रोडक्ट्स विच आर कलरफुल एंड अ फन टू यूज, एंड वी एम टू बी योर बेस्ट एक्सपीरियंस इन द होल डे। इफ यू लाइक टू ऑर्डर योर फर्स्ट प्रोडक्ट, प्लीज गो टू इंस्टाग्राम एंड टाइप Meeva_naturals, दैट्स मीवा नेचुरल्स, एंड वैन यू प्लेस एन ऑर्डर टेल दम दैट यू आर अ लिसनर ऑफ लाइट्स कैमरा आजादी एंड गेट एन इंस्टेंट 10% ऑफ। ओके, सो 3, 2, 1, यास्मीन किदवई जी, वेलकम टू लाइट्स कैमरा आजादी। थैंक यू वंदित जी, वेरी हैप्पी टू बी हियर, एंड दिस इज एक्चुअली माय फर्स्ट पॉडकास्ट। एक्चुअली मैं, ये मेरा भी पहला पॉडकास्ट है एक पॉलिटिशियन के साथ। आई रियली डोंट नो व्हेदर यू कैन एक्चुअली कॉल मी दैट, बट आई एम क्वाइट एक्साइटेड, एंड आई होप दिस गोस वेल एंड इज इंटरेस्टिंग इनफ फॉर ऑल योर लिसनर्स आल्सो। Definitely, I'm sure. Yasmin जी, बिफोर आई बिगिन, मैंने ये पढ़ा और मुझे कहीं से पता चला कि आप 12th की टॉपर रही हैं दिल्ली में। Where did you get that information? I'm very impressed. Let's just say I'm very good in my research. I have to grant you that. That's amazing. I don't think anyone knows that. Yes, तो 12th की टॉपर से डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एंड देन इवेंचुअली पॉलिटिक्स, हाउ डिड दिस हैपन? Well, you know, Vandit, I really think that the way our school system is, when you get subjects which are, you know, interesting for you and which hold your interest, you actually end up doing much better in, you know, and so I was very, my subjects in class 11th and 12th were history and sociology, and at that point, you know, I honestly, I just took the subjects and did that because I found those subjects interesting. It would eventually lead to documentaries. And now to, you know, to the place where I am now, I had actually never thought of it like that. But it primarily was the subjects interested me. Documentaries happened in college. I was in Hindu college and my subject was sociology. And after doing sociology, I, you know, the career options one was toying with of, you know, what can one do? I had thought about doing, you know, sitting for my civil services exams. I had thought of going into completely into social work through, you know, joining TIS and all that. That was one thing I was toying with. And the other thing was
at that point of time, everybody around was, taking up careers about things they love and what their passion is. And I loved films. So I used to wonder that, how can I choose films as a career? That it didn't seem like a possible career. And it seemed very out of reach. But as things happened, I took, I sat for my exams in Jamia, in the mass communication. And at that point of time, Jamia was headed by Mr. Kidwai. So a friend of mine said to me, and I still remember it's something which stayed with me for a very long time. She said, oh, you'll have no problem getting in. You're a Kidwai. There's a Kidwai there. And I was, I don't know why it hit me so much. And I was like, I said, whatever I do, this is going to stay with me if I can take admission into this place. So then I was going to Bombay to sit for the TIS exams. And I also ended up giving the mass comm exams in XIC and Xavier's, where I got through. And my first course was actually journalism. But I realized I was much more happier getting to know people's stories and enjoyed that a lot. So my second year, I specialized in documentaries. And aap kis type ki documentaries banate hain? Can you talk a little bit about that? This was a natural, when I started off, I was working with a lot of development subjects. I was working with a lot of women's stories. And through that, I also went towards sports films. In fact, I made India's, perhaps, I think it's the only documentary in India and it's first on polo, the sport. And women's subjects, my first film which I made was on, it was called Her Own Sky. It was about women empowerment in, through reservation and, through education, how, through example, it was a story of, how, so we traveled all over the country shooting this. And the other film that I had done was actually a very small, not a very well-known film. It was on Madhya Pradesh. Arewa, on, my home, yeah, home state. On tourism and how these little known travel trails, and Madhya Pradesh was not really on the tourism circuit in a big way. It was not the fancy tour. When we did this film, it actually got the award for the best film on travel that year. Wow. And I think that was, I don't know whether a good thing or a bad thing, because shuru mein hi thoda award mil gaya, so I was like, mujhe to bas yehi karna hai. But films, why I went with documentary, and though it's a field which one was very aware even at that time when we were getting into, and I was getting into it, is that it would not be something which would be big money. And and television had opened up, and all those television serials and all those options were there, which was part of my training too. But it wasn't, it didn't interest me, and it just seemed very not worth one's while to be doing that. And I remember thinking that, if I have chosen subjects which I want to study, then what is the point of, going into, even in this field, going into a realm which I don't believe in. I said then that, just to earn money, I kind of felt I would never be happy doing that. All these news channels were also starting at that point of time. And I kind of, very early on, I did do a stint as a production assistant in NDTV. And I figured that I would never be able to do this, 9-to-5 kind of a thing, where the news is in many ways really not an objective kind of reporting which we show to viewers. So I wanted to go independent from my first film, actually. डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग जितना मैंने समझा है यास्मीन जी, बहुत वैसे लुक्रेटिव बिजनेस है भी नहीं शायद वो, इतना इसमें यू कांट मेक मनी, तो हाउ डू डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स मेक मनी एनीवे? वेल नाउ
Now, frankly, things are really changing. And there are, see, if you have to do documentary, you have to be more committed to the cause than to the, than to the profit margins, so to say. But now, hopefully, hopefully things are changing a little bit. Ab dekhi kitne sare platforms aa gaye hain, Netflix hai, Amazon hai, kitne sare, and sare platforms ab documentaries le rahe hain. So it is now things are changing, and let's be positive ki aur platforms khulenge. But it is not the best profession to make money, for sure. For sure. जितना effort जाता होगा उसका शायद उतना उस reference में output मिलना बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ, पैसे के हिसाब से output नहीं है, लेकिन आप अगर आप impact देख रहे हो कि आप क्या करना चाह रहे थे, आपने वो documentary या वो film क्यों बनाई और आपने वो achieve किया कि नहीं, आपने अगर आपको awareness create करना था या आपको कोई change लाना था, वो सब चीजें हुए कि नहीं, तो उस हिसाब से भी success आप judge कर सकते हैं. And I think मेरे लिए एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर वो पैरामीटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थे. एक आपने फिल्म बनाई थी नो प्रॉब्लम 6 मंथ्स विद बेयरफुट ग्रैंडमास, जो आपकी इट्स वन ऑफ योर फेवरेट फिल्म्स एज वेल. इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा मुझे. हाँ, नो प्रॉब्लम सच मायने में, हालांकि मेरी फिल्म है तो मैं खुद तारीफ करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, बट एक्चुअली वो फिल्म जो है, मैं उसके बारे में बता देती हूँ. एक कॉलेज है राजस्थान में जिसका नाम बेयरफुट कॉलेज है, एंड वो कॉलेज सिर्फ और सिर्फ अनपढ़ लोगों को, इलिटरेट लोगों को ही एडमिशन देता है और सिर्फ उन्हीं को पढ़ाता है, एंड इनके कोर्सेज होते हैं कोई 6-6 महीने के लिए. तो मैं एक्चुअली रिसर्च कर रही थी मनरेगा पे राजस्थान में. उस जगह को मालूम, मनरेगा एक काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम थी सरकार की. एंड मुझे ये, जब मेरे को ये स्टोरी के बारे में पता चला, एंड ये 6 महीने में अनपढ़ महिलाओं को क्लेम करते थे कि ये सोलर इंजीनियर बना देंगे. एंड टू बी फ्रैंक, मैं बहुत ही सिनिकल थी, एंड मैं, इट वाज अनबिलीवेबल, मुझे नहीं लगता था ये हो सकता है. मैं 2-3 बार जो कॉलेज के फाउंडर थे बंकर रॉय, मैं उनसे मिली, मैं दिल्ली में मिली, एंड मैं उनसे इतनी स्केप्टिकली बोलती थी कि कैसे हो सकता है, आप किसी को कैसे बना सकते हैं इंजीनियर, 6 महीने में अनपढ़ को आप कैसे बना देंगे. एंड वो मुझे बार बार कहती थी कि एक बार आके आप देखो. एंड वंदे, जब मैं वहाँ पर गई, ये अजमेर से अबाउट मेरे ख्याल में 20-30 किलोमीटर दूर है, जयपुर से आधा घंटा दूर है ये जगह. एंड उस वक्त ये इनकरेज कर रहे थे कि अफ्रीकन कंट्रीज से महिलाएं आएं और यहाँ पर आके पढ़ें, और क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल अफ्रीकन कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बहुत बड़ा इशू है. हमारे यहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर केरोसिन क्योंकि इतना महंगा है तो लोगों को एक्चुअली बहुत दिक्कत है. तो ये मुझे ये स्टोरी बहुत अनबिलीवेबल लग रही थी कि कोई अफ्रीका से यहाँ इंडिया में सोलर इंजीनियर बन के अपनी पूरी फैमिली को, ऐसी जगह जहाँ आप लैंग्वेज नहीं समझ सकते, आपने कभी इंडिया का नाम नहीं सुना होगा, तो क्या डेस्परेशन है जो किसी को यहाँ ऐसे ला सकती है, और क्या ये हो सकता है. एंड एक वेरी, मतलब बहुत ही सिंपल चीज़, अगर आप देखो कि हमें कभी अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हो तो हमें लाइट के लिए बस एक स्विच ऑन ऑफ करना है. बिल्कुल. और आप सोचें कि आज तक ऐसे लोग हैं, ऐसी जगहें हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और उनकी क्या डेस्परेशन हो सकती है कि वो अपना, मतलब इट इज, ये नहीं कि एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री, आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट आ रहे हैं. तो मैंने, एंड जब मैंने मैंने मुझे देखा, एंड इट वाज यू नो, विमेन एम्पावरमेंट या कोई भी एम्पावरमेंट, मैं अक्सर कहती हूँ कि कोई गोली नहीं है कि आपने आज वो दे दी और उसने खा ली और वो एक दिन में एम्पावर हो जाएगी कोई महिला. एक एम्पावरमेंट एक प्रोसेस है. तो उस वक्त जब मैंने ये फिल्म करनी थी तो मैंने यही कहा था कि मैं पूरा प्रोसेस फॉलो करूंगी, मैं 6-7 महीने इनके साथ रहूंगी और मैं पूरा प्रोसेस फॉलो करूंगी कि कैसे कैसे ये हुआ. नहीं तो अगर मैं जाके बस किसी को बोलूं वो बन गए एंड उनको कुछ सोलर दिखा दिया कि वो सोलर लैम्प बना सकते हैं, लगा सकते हैं, ग्रिड लगा सकते हैं, तो स्टोरी बिलीवेबल नहीं होगी.
तो हमने वही किया, हम अबाउट 7-8 महीने रहे वहाँ पे तिलोनिया में, राजस्थान में. और फिर जब वो इंजीनियर बन गई, फिर हम उनके पीछे अफ्रीका गए, जांजीबार में गए, तंजानिया गए, उनको फॉलो किया. एंड कैसे उन महिलाओं ने वहाँ जाकर अपनी पूरी पूरी विलेजेस को सोलर इलेक्ट्रिफाई करके लाइट दी. एंड जितनी महिलाएं उस ग्रुप में मैंने फॉलो करी थी, सबकी लाइफ कैसे चेंज हुई. तो यू नो, एक चीज और वो मेरे लिए फिल्म स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि उस फिल्म से मैंने रियलाइज किया कि हम में कितनी भी डिफरेंसेस हों, हमारे में सिमिलैरिटीज ज्यादा हैं. एंड बाय हम आई मीन, चाहे मैं विमेन की बात करूं या लोगों की बात करूं, पहले पहले आप एकदम देख के सोचोगे कि जैसे मुझ में और कोई महिला जो अफ्रीका के किसी गांव से आ रही है, हम में क्या कॉमन होगा. बट जब मैं 6-7 महीने उनके साथ रही और बात करी, मेरे लिए सबसे जो चीज़ मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी हद तक उस चीज़ ने चेंज किया कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर मोर सिमिलर देन वी रियलाइज वी आर. That's true. आप हम और हमारा प्रिविलेज ऐसा है ना, मैं आपको बताता हूँ परसों की बात. यहाँ पे गुड़गांव में मेरे ख्याल से थोड़ा थंडर स्टॉर्म हुआ था और हमारे घर में वोल्टेज नहीं थी, मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएशन था. सो इलेक्ट्रिसिटी थी, पंखा चल रहा था, स्लो चल रहा था और कूलर भी बहुत स्लो चल रहा था और एसी चल नहीं रहा था. एंड उसमें ही हम लोग इतने डिस्कम्फर्ट हो गए थे. और मैं अगले दिन सुबह उठ के सोच रहा था कि यार वहाँ उस धूप में माइग्रेंट वर्कर्स पैदल जा रहे हैं और मतलब उनमें से उनके घर पे भी जाके भी कुछ ऐसा सुविधा नहीं होने वाली. हाँ, कुछ पंखा चल जाए तो बड़ी बात है और शायद कुछ घंटे के लिए लाइट रहेगी. तो मतलब हम कितना अनफेयर है ये कि मैं मतलब मुझे और आपको ये सुविधा है और उसी समाज में उसी किसी और व्यक्ति को वो सुविधा नहीं है जो कि बेसिक्स है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड अगर आप जैसे माइग्रेंट्स की बात कर रहे हो, यू नो, मुझे मैं इस फिल्म की बात जैसे करूं जो नो प्रॉब्लम थी, मुझे खुद क्यों बहुत अच्छा लगा ये फिल्म करके, बिकॉज इस फिल्म में और इसके और जो ये पूरा प्रोसीजर था कि लोगों को आप एम्पावर करके आप उनके हाथ में वो शक्ति दे दें कि वो खुद कुछ कर सकते हैं, करेक्ट. और ये लाइफ चेंजिंग होती है. जिस एजुकेशन किसी को दे दो या उसको अपनी उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे दो या उसको आप कोई स्किल सिखा दें, तो वो लाइफ चेंजिंग चीज़ें होती हैं. एंड मुझे ये स्टोरी पॉजिटिव इसलिए लगी थी कि हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और फिर वो सोल्यूशन मिल भी जाता है. माइग्रेंट सिचुएशन में भी और जो हम आज प्रेजेंटली जिस सिचुएशन को हम पूरी दुनिया डील कर रही है और इंडिया में स्पेसिफिकली जो एपिडेमिक है उसने एक अलग ही एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम की शक्ल ले ली है. एंड मुझे इस वक्त मतलब दुख ये है कि हम ये प्रॉब्लम है, हम सबको मालूम है ये प्रॉब्लम है और माइग्रेंट्स ने अपने हाथ में सोल्यूशन लेने की कोशिश करी है क्योंकि उनको कोई रेजोल्यूशन नहीं दिख रहा था, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा था. और अभी भी जैसे आप कह रहे हैं कि वो अपने गांव तो पहुंच जाएंगे, आप लाइट की बात कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम वहां पे उनके पास घर भी होंगे कि नहीं. यू नो, वो मतलब वो अपने गांव से निकले हुए हैं, उनके पास वहां पर भी रहने की, ये तो यू नो, अभी तो वो सिर्फ एक फेमिलियर चीज या जो लोग उनको लगता है वहां पर उनकी उनकी फैमिली होगी, उनके गांव वाले होंगे जो एटलीस्ट उनको एक सहानुभूति और प्यार की नजर से तो देखेंगे, कुछ तो सपोर्ट रहेगा. वहां जाके भी उनके पास घर होंगे कि नहीं. सो इट्स ये सिचुएशन फ्रैंकली काफी हेल्पलेस सी लगती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एंड आज भी मैं देखती हूँ कि हम लोग जो शहर में हैं, आप तो लाइट की और उसकी बात कर रहे हो, सबसे मतलब बड़ा प्रॉब्लम बहुत लोगों के लिए है कि किस प्रकार का केक मिलेगा और किस प्रकार की ब्रेड मिलेगी मार्केट में और कितने दिन लॉकडाउन रहना पड़ेगा और अपने आप को हम लोग जो सब आराम से बैठे हुए हैं कि हम कैसे कैसे अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं और कितनी सीरीज देख सकते हैं और कितने फिल्म्स देख सकते हैं इस पॉइंट पे.
बट जैसे आप कह रहे हैं उसी वक्त आप देखिए कि एक तरफ लोगों को कितना कितना प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या समाज आपका रीजन था या मोटिवेशन था टू गेट इनटू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, या इट जस्ट हैपेंड, आपने कुछ प्लान नहीं करा था? व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट? ओके, सो इन माय फिल्म मेकिंग जर्नी आई वाज लाइक आई टोल्ड यू, मैं शुरू से डेवलपमेंट फिल्म, स्पोर्ट्स फिल्म, इशू बेस्ड फिल्म ही कर रही थी। बट अराउंड जब मैंने नो प्रॉब्लम किया, मेरी पर्सनल जो ख्वाहिश थी या जो मैं चाहती थी कि इवन फिल्म्स लेकर मैं फिल्म्स को अवेयरनेस के लिए बनाना मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा था कि मुझे इम्पैक्ट के लिए बनाना हो रहा था कि मेरी एक फिल्म को देखकर कितने लोगों पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या फ़र्क हो सकता है। तो जैसे नो प्रॉब्लम थी, हमने इसकी स्क्रीनिंग्स वर्ल्ड ओवर करी और इसको हम जब मैंने बेयरफुट कॉलेज को जब ये फिल्म दी कि वो किसी और जैसे अफ्रीका के बजाय ब्राज़ील जा रहे हैं तो आप वहाँ पे ये फिल्म दिखाई, और सबसे पहला जब और या इंडिया में उड़ीसा में राजस्थान के अलग अलग गांव में जहाँ पर भी इस कॉलेज के बारे में पता नहीं था कि हम जब ये दिखाते थे तो जो गांव की महिलाएं थी वो उनका सबसे पहले रिएक्शन था कि ये कर सकती हैं जो फिल्म में औरतें कर रही हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसका एक इम्पैक्ट था कि हमने उस फिल्म के जरिए से कितनी और महिलाएं आगे आकर सोलर इंजीनियर बनने की उन्होंने चाह रखी और फिर बनी भी। पॉलिटिक्स में मुझे फ्रैंकली मेरी फैमिली पॉलिटिक्स में है लेकिन मुझे कोई तो एक्सपोजर तो मेरा 15 साल या 14 साल की उम्र से ही इलेक्शन में मैंने काम किया होगा बट पॉलिटिक्स पर से मुझे कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। अक्सर जैसे आप किसी फैमिली से आते हैं तो लोग मजाक में कहते हैं और मुझे भी हमेशा लोग पूछते थे बट हमेशा मैं कहती थी कि नहीं मेरे बस की बात नहीं है पॉलिटिक्स। जब 2.5 साल पहले ये इलेक्शंस आए तो ये जो सीट थी ये पर्टिकुलर जहाँ से मैं लड़ी हूँ वो एक रिजर्व सीट हो गई थी महिलाओं के लिए। तो मुझे काफ़ी लोगों ने आके बोला कि ये रिजर्व हो गई है और आप मुझे पार्टी से और मुझे फीलर्स आए कि आप लड़ना चाहती हैं एंड मेरा रिएक्शन नो था। And then my family actually tried to explain to me ki you can make a difference, you can make an impact, kafi logon ki madad kar sakti ho, ek platform mil jayega, and I was like nahi main aise kar lungi, mujhe ye platform nahi chahiye. Then the thing which actually changed my mind, you won't believe it, was Yogi Adityanath becoming chief minister of UP, and I was shocked. You know, it was like I never thought a figure like that, even a symbolic figure, and in any which ways, a person like that can become the chief minister of the largest state of India. And that is the time when I said yes, because I felt that, you know, the narrative of our country is going from bad to worse. Hum log kitna piche piche ja rahe aur itna अब हमारे रिप्रेजेंटेशन ही इतनी जो ओपनली कम्युनल बात कर रही है और ओपनली उनका एजेंडा ही ये है, एंड वो एक तरीके से आई फेल्ट कि जो पीपल लाइक मी, एक एजुकेटेड महिला हु ऑल्सो हैपन्स टू बी अ मुस्लिम, इस आइडेंटिटी को मुझे लगा कि ये तो कंप्लीटली इस खत्म हो जाएगी, दिस विल बी नो आइडेंटिटी एनीमोर। सो फ्रैंकली दैट वाज द ओनली रीजन आई सेड यस टू डू दिस। मैंने लड़ने के लिए हाँ कहा तो जीतने का मुझे कोई वो नहीं था, मैं कंप्लीटली नई हूँ इस फील्ड में। तो और जो हमारे कंट्री में और सिस्टम में इलेक्शन का भी प्रोसेस है, लास्ट मिनट तक आपकी टिकट डिक्लेयर नहीं होती है, इवन दो द ऑफर हैड कम टू मी, यू गेट वेरी लिटिल टाइम। सो आई वाज सो न्यू, तो मुझे लगा कि ये जो इलेक्शन कैंपेन का ही टाइम है ना, जो 20-21 तीन हफ्ते हैं, कि उसमें ही मेरा जैसा कोई इंसान लोगों के सामने आ सकता है और अपनी बात कर सकता है।
मैं जीतूंगी ये मैंने सोचा नहीं था बिल्कुल भी। स्पेशली एक ऐसा दौर था, दौर चल रहा या था जहाँ पे कांग्रेस अपनी पकड़ भी लूज कर रही है इन द स्टेट सिनेरियो, विदाउट गेटिंग इनटू टू मच पॉलिटिक्स, मतलब जस्ट ट्राइंग मेकिंग अ कमेंट। यू वांटेड टू टॉक टू अ पॉलिटिशियन बट यू डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स। नहीं हाँ वो मतलब हम हमारे आज शो के थीम से ना डाइवर्स हो जाए। नो नो इट्स फाइन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना, मेरा मुझे भी मालूम था कांग्रेस का इस वक्त क्या सिनेरियो है, तो मुझे नहीं मैंने जीतने का तभी सोचा ही नहीं था। मतलब मुझे याद था कि चलो एक प्लेटफॉर्म है, 20-21 दिन के लिए मैं लोगों के सामने आऊंगी, कुछ लोग मेरी आवाज सुनेंगे, एक लिमिटेड लोग ही सही, इट इज कोई पार्लियामेंट्री इलेक्शन तो था नहीं, ग्रास रूट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन था। एंड आई रिमेम्बर मेरी एक दोस्त हैं प्रिया दत्त, जो कि उस टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई थिंक वो हार चुकी थी, रह चुकी थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मैंने उनको फोन किया था और मैंने कहा था भी मैं यू नो क्या करूं और कैसे करूं, और उसने मुझे फाइनली उन्होंने बोला कि यास्मिन और कुछ नहीं तो पूरे प्रोसेस की डॉक्यूमेंट्री बना लेना। एंड यू नो अभी हम लोग इतना हंसे उसके बाद, शी लाइक शी सेज एक प्रोसेस है यू नो जो इलेक्शनियरिंग का भी एक प्रोसेस है, एंड शी सेज यू नो एटलीस्ट तुम उसी लेवल पे काम करती हो। मुझे तो फ्रेंकली कैंपेन में और जिस एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जिस स्तर पे आप काम करते हैं वो सेम है, ये एक या तो एक एक्टिविस्ट माइंडसेट हो जाता है या आप, तो मेरा बस उस टाइम मैंने कोई लॉन्ग टर्म नहीं सोचा था, मैंने उस टाइम बस ये कि मुझे मैं ये कैंपेन कर लेती हूँ और एक मेरी आवाज़ सुनने के लिए एक मुझे लोगों मतलब मैं लोगों तक एक प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज पहुंचा सकती हूं, दैट्स ऑल। तो ये म्युनिसिपल काउंसलर होता क्या है और उसका रोल क्या होता है और एमएलए से कैसे अलग होता है, ये मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता नहीं है। नहीं बहुत लोगों को पता नहीं है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर जो होता है इट्स निगम पार्षद, ये आपकी आपकी लोकल बॉडी है जो सबसे नीचे वाला स्तर है, तो इट्स कॉल्ड द अर्बन लोकल बॉडी एंड उसका रिप्रेजेंटेटिव म्युनिसिपल काउंसलर निगम पार्षद होता है। जो एमएलए होते हैं आपके वो स्टेट लेवल के होते हैं, तो वो स्टेट बॉडी होती है एंड उसके ऊपर आपका एमपी होता है जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है जाके पार्लियामेंट में। सो निगम पार्षद एक्चुअली इस पूरे सिलसिले में आपकी पहली सीढ़ी है एंड इट्स द ग्रास रूट लेवल। एंड निगम पार्षद के रोल अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होते हैं। दिल्ली जैसी, अगर मैं दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं दिल्ली जैसी जगह का बता दूँ, दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी अब आपकी तीन है, तो दिल्ली डिवाइडेड है नॉर्थ दिल्ली में, साउथ दिल्ली में और ईस्ट दिल्ली में, और तो जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके बाद दिल्ली सरकार है एंड उसके ऊपर आपकी दिल्ली और कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी दिल्ली में ही बेस्ड है। सो बाय एंड लार्ज जो फंक्शंस एक कॉरपोरेटर के अंदर दिल्ली में आते हैं इज स्ट्रीट लाइट्स, वो भी स्मॉल स्ट्रीट लाइट्स, मेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ स्मॉल स्ट्रीट रोड्स, फिर आपके गार्डन्स, तो हॉर्टिकल्चर आता है उसके अंदर, जो आपके रेजिडेंसेस बनते हैं, जो बिल्डिंग्स बनती हैं और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है वो कॉरपोरेटर के अंडर आता है, फिर आपके पास छोटी छोटी डिस्पेंसरीज और पॉलीक्लिनिक्स हैं, सफाई की जो सैनिटेशन का काम कॉरपोरेशन में आता है, ये जो आप डेंगू मलेरिया जैसी चीज़ें होती हैं ये आपके कॉरपोरेशन लेवल का काम होता है। बट दिल्ली में फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि जो बड़े रोड्स हैं वो दिल्ली सरकार बनाएगी, वो आपका कॉरपोरेटर नहीं करेगा। हेल्थ में जो छोटी डिस्पेंसरी होगी वो कॉरपोरेशन की होगी, जो बड़ी डिस्पेंसरी होगी वो दिल्ली सरकार की होगी। जो आपकी नालियां होती हैं बरसाती नालियां वो कॉरपोरेटर के अंदर आएंगी लेकिन सीवर और पानी एमएलए के अंदर आएगा। सो इट इज़ अ फेयरली कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन ऑफ वर्क।
लाइक आई वाज सेइंग, दिल्ली में और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि आपके पास एमसीडी है, फिर आपके पास पीडब्ल्यूडी है, जो आपने बोर्ड्स देखे होंगे लगे हैं जो बड़े बड़े रोड्स बनाते हैं, उसके बाद आपके पास एक सीपीडब्ल्यूडी भी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाती है फ्लाईओवर्स वगैरह। तो यहाँ दिल्ली में काम करना काफ़ी मुश्किल भी है, स्पेशली क्योंकि सरकार अलग अलग है, स्टेट पे एक अलग पार्टी की सरकार है और सेंट्रल पे एक अलग पार्टी की सरकार है, सो इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग टू वर्क इन दिल्ली। यास्मीन जी, जो आप बता रही हैं, जो आपने कुछ काम बताए कि स्ट्रीट लाइट हो गई और यू नो डिस्पेंसरीज हो गई, गार्डन्स हो गए, डेंगू मलेरिया के यू नो जो भी इफेक्टिवनेस आपको हेल्थ केयर लोकल लेवल पे स्प्रेड करनी है वो हो गई, तो ये सुनने में तो बहुत यू नो इजी टू डू टास्क लगता है, अगर आपकी वो कॉम्प्लिकेशंस को मैं हटा दूं जो दिल्ली की और वैसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा जॉब लगता है, वी स्टिल सी पॉलिटिशियंस नॉट लिविंग अप टू द मार्क। तो ये क्या है, व्हाई इज दैट, इज इट पॉलिटिकल विल ऐसा है या मतलब करप्शन ज्यादा है या क्यों होता है ऐसा? जो आप कह रहे हो एक कॉम्प्लिकेशन, यू आर राइट, कॉम्प्लिकेशन तो तब है जब आपने काम कुछ करने की कोशिश करी तो आपको उसमें कॉम्प्लिकेशन लगेगा। मेरा पर्सनल तरीका ये रहा है कि सी हुआ वी आर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, सो वी हैव टू रिप्रेजेंट व्हाट देयर नीड्स आर, वी हैव टू बी देयर वॉइस, उनकी क्या ज़रूरत है उस ज़रूरत को हमें अपनी आवाज़ से ये आगे पहुँचाना है, और उनकी क्या ज़रूरत हम मीट कर सकते हैं वो हमें काम करना है। तो कभी कभी मुझे लगता है अरे ये तो इतना ही था, मुझे कोई इतना आसान काम था, कोई भी कर सकता है, बट ये मैंने आई वॉन्ट नॉट टॉक अबाउट माई कंटेम्प्रेरीज क्योंकि वो कैसे काम करते हैं मैंने नहीं देखा है, बट जब आई रिमेम्बर जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी और मैं जैसे किसी के पास जाती थी काम करवाने या कुछ काम लेके, तो आपको कोई एक बार में काम करके नहीं देता था, आपको बार 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 चक्कर लगवाए जाते थे। तो जी, सो इट आई यूज्ड आल्सो वंडर कि यू नो काम करके खत्म क्यों नहीं करते थे। सो आई या इट अनफॉर्चुनेटली कुड बी अ लैक ऑफ विल, बिकॉज देयर आर स्मॉल वेज इन विच यू कैन ईज आउट अ लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ, यू नो छोटी छोटी चीजें करके आप लोगों की काफी जो समस्याएं हैं छोटी छोटी उनको आप काफी हद तक रिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते और आपके यू नो आप अगर आप कहें कि मैं ऑपोजिशन में हूं और सरकार इसकी है, बहुत दिक्कत आती है। हम तो मतलब सेकेंड ऑपोजिशन में आ गए, हम तो ऑपोजिशन के भी ऑपोजिशन में है, बट आई थिंक इट इज बेसिकली कम्स डाउन टू अ मैटर ऑफ विल। और क्या एमसीडी इलेक्शंस की पॉलिटिक्स भी उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है जितनी स्टेट लेवल की होती है, कि क्या नरेटिव है, क्या चेहरा है, क्या क्या वेव किस चीज़ की चल रही है, या इट्स वेरी वेरी लोकलाइज, ये लोकल मुद्दे क्या हैं, और या मतलब आपको रीइलेक्ट करा जा सकता है कि भले ही आपकी पार्टी के कोई बहुत बड़ा नाम ना हो या वेव ना हो, हाउ डज दैट वर्क? नहीं, इनफैक्ट जितना छोटा इलेक्शन होता है उतना मुश्किल इलेक्शन होता है। आप देखिएगा अगर जैसे जो पार्लियामेंट्री लेवल का इलेक्शन है उसमें आप देखेंगे कि एक वेव है और उस वेव में सब जीत गए। इस बार भी आप देख लीजिए, जब चाहे 2014 में भी एक वेव था, आपको अपने कैंडिडेट्स आज भी आप कहाँ रहते हैं? गुड़गांव और इंदौर में रहता हूँ, होम टाउन इंदौर है, कॉन्स्टिट्यूएंसी इंदौर है। अच्छा, तो आपको पता है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंदौर से कौन है? पहले तक तो सुमित्रा ताई थी, ये नए वाले का नाम नहीं पता। तो बिकॉज इस बार मतलब इस जैसे एक वेव में ना इट डिडंट मैटर। तो बड़ा इलेक्शन जीतना ज्यादा आसान होता है, छोटा इलेक्शन उतना ही और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसमें ना सिर्फ आपकी पार्टी, उसका तो एक रोल आएगा ही, बट आप उसके बलबूते पे नहीं जीत सकते, बिकॉज फिर आपका काम होना चाहिए, आप लोगों के टच में कितना है, बिकॉज एकदम ग्रास रूट वाला है ना, इससे मुश्किल इलेक्शन कोई हो नहीं सकता। तो इसमें सारी कॉम्प्लिकेशंस एक साथ आ जाती हैं। इसमें आप वेव पे नहीं जीत सकते, आप सिर्फ पार्टी के नाम पे नहीं जीत सकते, आपका काम होना बहुत जरूरी है, बट उसके बाद भी
अगर आपकी पार्टी का नहीं हो रहा तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो कैंडिडेट है पार्टी के ना जीतने के बावजूद भी हमारे लिए काम कर सकेगा या कर पाएगा। काफी बार लोगों को पता चल जाता है किस पार्टी की वेव चल रही है, किस पार्टी की नहीं चल रही है, तो उसमें आपको जीत के आना और भी ज्यादा मुश्किल है। आपका आप लोगों का लेजिस्लेशन का भी कुछ काम रहता है लोकल लेवल पे, या लोकल लेवल पे कोई लेजिस्लेशन नहीं होती है? लोकल लेवल पे हम पॉलिसीज वगैरह पे इट इज बेसिकली काम होता है, नॉट लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन तो स्टेट लेवल पे ही बनती है, बट जो इश्यूज हम डिस्कस करते हैं यू नो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड काफी चीजें आती हैं उसमें, बट वी आर नॉट रियली लेजिस्लेटिंग। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी तो एक ऐसा दौर आ गया है क्योंकि एक पार्टी की मेजोरिटी है कॉरपोरेशन में, तो डिस्कशन का भी ज्यादा स्कोप नहीं है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज एक डेमोक्रेसी में हमेशा इतना ये स्कोप होना चाहिए कि आप एक इशू को आप डिस्कस कर पाए। तो हमारे सो वी आर नॉट द वंस पासिंग द लॉज और लेजिस्लेटिंग ऑन दैट, बट वी आर टॉकिंग ऑफ यू नो पॉलिसी मैटर्स एंड रूल्स एंड रूलिंग्स ऑन इशूज विच कंसर्न द वर्क्स जो मैंने आपको पहले बताए थे। और आपकी तो अभी टोटल आपके जो आपकी पार्टी के हैं लोग वो मेरे ख्याल से कुछ 35-40 हैं तीनों कॉर्पोरेशन मिलाकर। मैं साउथ दिल्ली एमसीडी में हूँ, तो यहाँ तो हम अभी सिर्फ 9 हैं। अच्छा, यहाँ पे आप सिर्फ 9 हैं, तो बहुत ही मतलब एकदम ही बहुत मुश्किल होता होगा अगर आपको कुछ पुल आउट भी करना है तो, मतलब फॉर अ नॉर्मल पार्टी और डोमिनेंट पार्टी से ज्यादा 10 times एफर्ट लगता होगा ना आपको। हाँ, पुल आउट काफी मुश्किल हो जाता है। तो एंड यू नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, डिबेट आजकल की सोसाइटी में एंड दैट गोज टू ऑल फोरम्स डिबेट इनकरेज नहीं होता है तो, बट एक चीज हम लोग लकी हैं एंड जिस टाइप की हमारी रिप्रेजेंटेशन है कॉरपोरेशन में कि लोगों को मालूम है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये देने की कोशिश करेंगे। एंड सो यू नो वी डोंट लाइक टू डू दिस कि आपने हाउस रुकवा दिया या आप हमेशा वॉकआउट करते रहे, तो वी ट्राई टू यू नो पुट आवर फुट डाउन एंड हम जो इश्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए हम करते हैं। बट हाँ, मुश्किल है और इसमें आपको अपनी बहुत अपना काम करवाने के लिए और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखभाल करने के लिए आपको मेरे ख्याल में 10 गुना मेहनत करनी पड़ेगी फंड्स लाने के लिए, बजट लाने के लिए, बिकॉज आप रियली करंट के अगेंस्ट हैं कम्प्लीटली। तो आपके आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक फंड मिलता है जो कि बाय लॉ मिलता है, या मतलब वो कैसे, हाउ दैट प्रोसेस वर्क्स? दो तरीके होते हैं, जैसे कि एक एक बजट होता है जो कॉर्पोरेटर फंड कहलाता है जो कि इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट, उससे आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप किसी भी चीज में जिसमें भी आप लगाना चाहें उसमें आप लगा सकते हैं। और बाकी जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं वो यू नो कॉर्पोरेशन आपको दे सकती है, सैंक्शन कर सकती है। एक और वे है जो इसमें आप फंड्स ला सकते हैं, वो एमपी लैड फंड्स हैं, आपने सुना होगा उनके बारे में। तो अगर आपको आप किसी एमपी को अप्रोच करें तो वो आपको अपने उसमें से फंड्स दे सकते हैं। नाउ अगेन इसमें हम लोगों को बहुत दिक्कत है क्योंकि ए कांग्रेस के दिल्ली बेस्ड कोई एमपी है नहीं, यू नो तो आपको वो वाले फंड्स नहीं मिल रहे हैं। फिर आपको जो आपके MLAs हैं वो आपको फंड नहीं देंगे बिकॉज फिर वो पॉलिटिक्स करने लगते हैं और वो दूसरी पार्टी के हैं। तो इसेंशली यू आर लिमिटेड कि आप अपने फंड्स को बेस्ट कैसे यूज कर सकते हैं। और अगर आप लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें जिसे जिसमें आप कन्विंस कर सकते हैं ब्यूरोक्रेट्स को जाकर, उसमें आपकी कुछ उसमें आपको कुछ मिल सकते हैं। बट अभी जो हाल है, एंड अभी से आई डोंट मीन आज कोरोना एपिडेमिक पैंडेमिक की वजह से, द इकोनॉमी बहुत टाइम से बहुत बुरे हाल में है और यहाँ पर भी कॉरपोरेशन के साथ बहुत पॉलिटिक्स हुआ है बिकॉज हमारे फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट से। तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में BJP है और स्टेट में आप हैं, तो इन दोनों की नूरा कुश्ती चलती रहती है, तो कॉरपोरेशन के पास फंड्स की बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो वो सिर्फ वही खर्च कर सकती है एट दिस पॉइंट जिसमें वो अपने जनरेट कर सके। और इसमें बहुत दिक्कत बहुत है क्योंकि डेवलपमेंट अब बहुत मुश्किल हो जाएगा दिल्ली में क्योंकि कोई फंड्स ही नहीं है, लोगों की सैलरीज नहीं मिल रही हैं। तो पहले ही मुश्किल था और अब तो यू नो सिचुएशन ऐसी है कि काम करना बहुत ही मुश्किल रहेगा यहाँ पर।
तो जब आपने ये इलेक्शन लड़ा था तो what goals did you set for yourself to achieve? आपने क्या सोचा था मैं ये अचीव करूंगी इन द नेक्स्ट 5 years? और आपका पर्सनल असेसमेंट अभी क्या है कि आपने क्या वो अचीवमेंट हो चुका है या क्या क्या बचा हुआ है? यू नो, जब मैं जीत गई, लेट मी से दैट, जब मैं लड़ी थी तो मैंने आपको कहा कि मैं मुझे नहीं मालूम था कि मैं जीतूंगी कि नहीं. मुझे बस एट दैट पॉइंट आई वांटेड टू मेक श्योर दैट आप लोगों की एग्जिस्टेंस डिनाय ना कर दें. जब मैं जीती, मेरा और एंड आई थिंक लेट मी से थोड़े इलेक्शन से पहले मेरा ये था कि मुझे एक मैंने अपना रोल कैसे समझा कि मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ. इसका मतलब जो भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की नीड है या ज़रूरत है मुझे उसे पूरा करना है और मुझे उनकी आवाज़ बनना है. तो बहुत चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये डिवीज़न काम का डिवीज़न कैसे होता है दिल्ली में. तो पानी, जैसे पानी हमारे अंडर नहीं आता, मेरे अंडर नहीं आता, मैं पानी, अगर आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकती. बट मैंने लोगों को प्रॉमिस किया था कि पानी की लड़ाई हम साथ लड़ेंगे. हम जब मेरी डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि अफ्रीका में लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. आप सोचो कि आज भी अभी भी दिल्ली में जो आपका कैपिटल सिटी है लोगों के पास पानी नहीं है. आप सोच सकते हैं आप अपनी लाइफ कैसे जिएंगे अगर आपके पास इस गर्मी में पानी नहीं. तो मेरा ये मकसद था कि मैं हमेशा साथ खड़ी रहूंगी और जो मुझसे बन पड़ेगा, जितने लोगों की मैं प्रॉब्लम्स दूर कर सकती हूँ. एंड ये मेरा सिर्फ वो नहीं था कि मैं सिर्फ मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इट्स काफ़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, दिल्ली में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरी एक्चुअली, काफ़ी बड़ी नहीं कहूँगी. एंड इसमें हर तबका और हर टाइप के लोग रहते हैं. तो मेरा सबसे बड़ा जो मैंने अपना सेट किया था कि मैं जो भी प्रॉब्लम हो सके, जैसी भी प्रॉब्लम हो सके, मेरी प्रॉब्लम हो, मेरे अंडर की हो, नहीं हो, मैं उसमें लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगी. वो मेरी कोशिश है जो कंटिन्यूसली रेगुलरली जारी है. उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूंसी में वार्ड वाइज, जब सॉरी एरिया वाइज अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें मांगी थी. जैसे बाथरूम, हम अनफॉर्चुनेटली एक हमारी कंट्री में इतना बड़ा अभियान स्वच्छ भारत अभियान रन कर रहा है, लेकिन आज भी अगेन दिल्ली जैसे शहर में आपको मालूम है कि काफ़ी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में माएँ अपनी बेटी को 3 या 4 बजे के बाद खाना या पानी नहीं देती हैं क्योंकि फिर बाथरूम जाना पड़ेगा और बाथरूम है नहीं या अनसेफ जगहों पर हैं और खेत में जाना पड़ता है और अनऑथराइज कॉलोनी के बाहर जाना पड़ता है एंड वो सेफ नहीं है. तो आप सोच सकते हैं कि 3 बजे के बाद खाना नहीं मिलता लड़कियों को या पानी नहीं मिलता. तो मेरा एक काफ़ी बड़ा एम था मेरा, मैं एक चाहती थी कि मैं जितने बाथरूम्स बना सकूं महिलाओं के लिए वो मैं बनाऊं और वो मैंने काफ़ी जगह बनवाए हैं. पानी का मुद्दा हम करते रहते हैं. दूसरा मेरा एक था कि मैं बच्चों के लिए प्लेइंग स्पेसेस क्रिएट करूँ, पार्क्स को डेवलप करूँ जहाँ पर एल्डरली और बच्चों को एक आउटलेट मिले. तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जगह है कश्मीरी पार्क. इट वाज एक बैरन सूखा लैंड था जहाँ पर सब ने गिव अप कर दिया था कि यहाँ कभी पानी आ ही नहीं सकता. देर वॉज नो ओपनिंग, देर वॉज नथिंग. वो मेरा वन ऑफ माई फर्स्ट टास्क था कि हम वहाँ पे पानी ले आए और उसको ऐसा डेवलप कर दिया. बाथरूम्स मैंने अनऑथराइज एरियाज में अबाउट 50-50 बाथरूम के सेट्स बनाए, बट हर जगह अभी भी नहीं हो पाया है बिकॉज लैंड किसी और की है, बजट किसी और का है. तो वो एक गोल है जो इनकम्प्लीट है. दूसरी चीज़ मैंने सोची थी कि हम लोग कि मैं किसी तरह स्किल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर पाऊँ. तो एक छोटी सी जगह है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में निज़ामुद्दीन बस्ती, वहाँ पर औरतों को ट्रेन किया जा रहा था
हाथ की कढ़ाई वगैरह करने में, ताकि वो अपना जो उनका पुराना जो उनका सीखा हुआ था उसको वो रिवाइव कर पाए। तो उन महिलाओं के साथ मैंने काफ़ी काम किया है उसको रिवाइव करने में, एंड आई होप हम उसको आगे भी कर पाए। आपके इन जनरल इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का किस टाइप की करप्शन एग्जिस्ट करती है, एंड व्हाट आर यू नो व्हाट ऑब्वियस वेज ऑफ करप्शन है कि कोई कोई नेता आता है विद अ बैड इंटेंशन, तो वो हाउ डू वो गेम कैसे करता है सिस्टम को? आई डोंट नो करप्शन कैसे करता है। आई थिंक जिसको करप्ट होना होगा होते हैं, एंड आई एम श्योर यू हैव हर्ड मोर टेल्स अबाउट दिस। सी इट इज अगेन अ थिंग ऑफ आपने पहले का काम करने की विल होनी चाहिए। तो अगर किसी की नीयत है कि उसको कुछ खराब करना है, तो आई एम श्योर बहुत लोग बहुत तरीकों से कर सकते हैं। देयर आर यू नो आई कीप हियरिंग दिस वन इज मेकिंग दैट मच मनी, दिस वन इज मेकिंग दैट मच मनी, हाउ कैन यू कमेंट, यू नो कैसे करते हैं आप? अगर आप एक ही पॉलिसी को गरीब लोगों के लिए एक तरीके से लगाओगे, लेकिन आप किसी मॉल या मार्केट के लिए वो पॉलिसी को चेंज कर दोगे, तो उसकी क्या वजह होगी? इट विल बी दैट आपने किसी को फेवर किया, राइट? सो यू नो आप सेम सो मतलब आपने बजट पास किया, वो चीज़ बनी नहीं, आई डोंट नो, देयर मस्ट बी सो मेनी वेज दैट पीपल आर डूइंग दिस। हाँ, मैं बस जानना चाहता था कोई सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ करप्शन भी एग्जिस्ट करता है जिसके बारे में शायद यू माइट हैव हर्ड और यू नो। नहीं, अगर सिस्टमैटिक फॉर्म में ऐसे कोई करप्शन का होता तो आई रियली होप किसी ने अभी स्टिंग करके कर ही दिया होता ना उसको। तो अगर हमको अभी स्टिंग ऑपरेशंस नहीं दिख रहे, तो क्या ये कंक्लूजन करना सही है कि करप्शन खत्म हो गया है? नहीं, शुरू हो गया है प्रेस में। अच्छा, ओके, गॉट इट, प्रेस में करप्शन शुरू हो गया है। तो आपको मतलब नहीं, ऑफ कोर्स देयर आर सो, आप अभी आपको आप मुझसे स्पेसिफिकली कॉर्पोरेशन का बोल रहे हैं, आपको हर जगह इसी पैंडेमिक में करप्शन नहीं दिख रहा? आपने अभी गुजरात के बारे में सुना कि वो वेंटिलेटर प्रोक्योरमेंट में करप्शन है, मतलब एक पॉलिटिशियन का बेटा की इनकम और नेट वर्थ हैज गॉन अप लाइक 800%, तो ऑल दैट इज हाउ, इट इज ऑल करप्शन ना। नाम ले सकते हैं उस पॉलिटिशियन का, डरना नहीं अपन को, अमित शाह नाम है उस पॉलिटिशियन का, उस बेटे का नाम अजय शाह है। बिल्कुल, यू नो It is a matter of intent and will. मतलब जिसको is you know जिस situation में अभी हम हैं, अगर इसमें भी corruption हो रहा है, आपने देखा कि किस level पे migrants को tickets बेचा जा रही है double या triple price करके, फिर वो trains ही नहीं चल रही है, so it is what can one say? थोड़ा सा यू नो स्विचिंग गियर्स यास्मीन जी, एंड दिस इज लाइक लार्जली द लास्ट क्वेश्चन अराउंड द पॉलिटिक्स, एंड देन हम हमारा जो मेन टॉपिक था आज का उसमें विल एंटर। जस्ट यू नो बहुत कैंडिडली मैं जानना चाहता हूँ, आपके हिसाब से कांग्रेस को ऐसा क्या करना चाहिए टू गेट बैक इन द लाइमलाइट, जो कि वो कहीं ना कहीं वो लाइमलाइट मिस कर रही है? See, I'll tell you, और मैं बहुत फ्रैंकली कह रही हूँ कि कांग्रेस जो है वो पहले तो एक शिकार हो गई एक बहुत ही वेल ऑयल्ड और वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन का, जो कि आपकी 2013 के करीब शुरू हुई थी, एंड ये कैंपेन एक पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म पे नहीं आई थी। जो हम लोग उस टाइम सब आई एम श्योर आप भी इम्प्रेस हुए होंगे कि ये इतनी अच्छी, एंड इट्स अ पीपल्स मूवमेंट, एंड जिसमें अन्ना हजारे स्टेज पे हैं और ये सब लोग स्टेज पे हैं, एंड दिस आउटपोरिंग ऑफ दिस विच स्टार्टेड विद द ये जो 2G स्कैम एंड एवरीथिंग, अ नरेटिव वाज बिल्ट अप जो कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ था। अब इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो, एंड अब आप अगर आप ऑब्जेक्टिवली अब आज जो सिनारियो है जो मीडिया कर रहा है, आप उसको बहुत ऑब्जेक्टिवली देखें, तो आप देखेंगे कैसे प्लानिंग से उस वक्त शुरू हुआ था। सेम मीडिया वो उस टाइम कैसे गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहा था, और आज वो गवर्नमेंट को मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं रेज करेंगे। इट इज द सेम मीडिया हाउसेज, एंड इफ यू आर टेकिंग नेम्स, यू सी इवन द कॉमनवेल्थ गेम्स में
कितना करप्शन का चार्ज, कितना करप्शन का चार्ज लगा था. मतलब इट वॉज सच अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर इंडिया कि कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ पर हो रहे हैं. उस टाइम ओनली अनफॉर्चुनेट चीज थी कि बारिश मेरे ख्याल में अक्टूबर तक चली गई थी उस साल. बट आपका मीडिया क्या दिखा रहा था कि एक कुत्ता विलेज में दिख रहा है एंड यू नो द होल थिंग इतनी करप्शन हुई है. एंड आई वॉज एट दैट टाइम फॉर एन इंटरनेशनल चैनल, मेरा उस टाइम पॉलिटिक्स से कुछ लेना था, मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रही थी ऑन द बिहाइंड द सीन्स ऑफ द गेम्स. एंड यू नो आई वॉज स्पीकिंग टू जर्नलिस्ट एथलीट्स हु ऑन रिकॉर्ड से कि इतना अच्छा गेम कहीं नहीं हुआ, किसी कंट्री में नहीं हुआ है कभी. कि एथलीट्स की एक एक ज़रूरत का कैसे ख्याल रखा गया, जो खाना था वहाँ पे, जो फैसिलिटीज थी. बट इंडियन मीडिया ने आपको वो सब नहीं दिखाया, इंडियन मीडिया ने आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखाई. वहाँ से शुरू हुआ, फिर 2G1 ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया जिसके सेंट्रल फिगर आपको दिखाया गया, एक गांधीयन है अन्ना हजारे. आज अन्ना हजारे कहाँ है किसी को मालूम नहीं है. तो एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन कांग्रेस के खिलाफ चला गया. कांग्रेस की तरफ से मैं क्या सोचती हूँ कि उनकी क्यों गलती थी कि उन्होंने उतना, जब गेम के रूल्स चेंज हो गए तो वो फिर से अपने वो उसी शराफत से खेलते रहे. उन्होंने उस तरीके से अग्रेसिव और वो टाइप का खेल नहीं खेला. आप कांग्रेस लीडर्स को देख लो, दिस होल कैंपेन जो जो राहुल गांधी के खिलाफ चला गया, वो इतना देर तक और इतना कि आज भी people will not are not ready to accept him, Rahul Gandhi, at many quarters because of how the BJP ran the campaign. Kabhi Shehzada kehke, kabhi Pappu kehke. Wo koi bol raha hai, wo jo abhi bol rahe hain ya policies bol rahe hain, wo bhi koi nahi sunega because it's such a media controlled and a social media controlled campaign. कांग्रेस को ये मुझे लगता है प्रॉब्लम है. एंड मुझे वेरी फ्रेंकली मुझे लगता है कि कांग्रेस शुरू में उतनी अग्रेसिव नहीं हुई. और एक बार जब 2014 में सरकार आ गई, उसके बाद जो स्टेट इलेक्शन थे वहां पर भी आपने देखा कि अब इलेक्शन जीतती एक पार्टी थी, सरकार एक पार्टी बनाती थी. तो एक क्लीन गेम नहीं हो रहा था एंड कांग्रेस वॉज नॉट प्लेइंग द गेम द वे द अदर साइड वॉज सेटिंग द गेम. यू नो चाहे नॉर्थ ईस्ट में हुआ या गोवा में हुआ कि उसके बाद फाइनली कर्नाटका में भी हो गया. अभी आप ले लेके देख रहे हो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस गिरा दी गई. तो कांग्रेस का जो गेम है वो इतना अग्रेसिव नहीं रहा. एंड लाइक आई से नाउ दैट यू नो यू हैव टू ईदर द कांग्रेस सेट्स द टोन कि क्या होना है and otherwise they you know play with the same aggression and mujhe lagta hai and ye jo jo main abhi keh rahi hu ye sirf mera personal view ho sakta hai mujhe lagta hai ki congress should do what it does best. Congress is very good at working at the grassroots level. Congress agar aap cynical bhi hain phir bhi main kahungi ki सब लोग सब जगह एक जैसे नहीं होते. आई एम श्योर अदर जगह अदर और जगहों पर भी अच्छे लोग होंगे. बट कांग्रेस एक्चुअली लोगों के लिए मदद कर सकती है. एंड मुझे लगता है कि सड़क पे उतर कर हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहना, लोगों की पावर, बीइंग इन पावर, नॉट बीइंग इन पावर, आई यूज टू थिंक इज नॉट रियली इम्पोर्टेंट. अभी भी we should forget about power, we should look at saving the country right now. Well said. एक एपिसोड में आपसे करूंगा जिसमें हम सिर्फ पॉलिटिक्स से डिस्कस करेंगे. मैंने आपको कहा मैं प्रोफेशनल पॉलिटिशियन हूं ही नहीं. हाँ बस चाय पे चर्चा टाइप करेंगे हम. एनीवे मूविंग फॉरवर्ड, तो यास्मीन जी, एज अ वुमन डिड यू फेस अ चैलेंज while joining politics, being in politics, या आपको बार बार कभी ऐसा हुआ, आपको याद दिलाया जाता था कि आप औरत हैं या आपके बस की नहीं है या मत करिए ये काम, तो what was that कि how did you being a role of a woman, especially a Muslim woman, factored into the game of politics? See, first of all, like I said, I fought the election only on a reserved seat. So this seat was reserved for a woman.
एंड जो रिजर्वेशन फॉर वुमेन पॉलिटिक्स में ग्रास रूट लेवल पे आया है, जो हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी लाए थे थ्रू द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यू नो, ये इतना, मैं अभी अपनी पर्सनल बात नहीं कर रही हूँ, इतना गेम चेंजिंग लेजिस्लेशन है फॉर एवरीथिंग, एंड विच इज वाई यू नो, आप जब महिलाओं को आप लाएंगे पॉलिटिक्स में, जब आप उनको वो अपॉर्चुनिटी देंगे, एंड रिजर्वेशन की जरूरत है शुरू में, जब आप उनके लिए अपॉर्चुनिटीज खोलेंगे तो यू विल सी दैट एक चेंज अपने आप आने लगता है, एक एक्सेप्टेंस आने लगता है. एंड जैसे मैंने आपको पहले, जब मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री की बात कह रही थी, मैंने आपको कहा कि मैं ये मानती हूँ कि एम्पावरमेंट कोई पिल नहीं है ना कि आपने एक औरत को दे दी कि खा लो और अगले दिन वो एम्पावर हो जाएगी. एम्पावरमेंट एक प्रोसेस है, एंड वुमेन का पॉलिटिक्स में आना चाहे शुरू में रिजर्वेशन के थ्रू ही जरूरी है, और उससे एक प्रोसेस शुरू होता है, एंड उससे सिर्फ एक महिला की एम्पावरमेंट नहीं होती, या वो रिजर्वेशन या वो सीट वो सिर्फ उस पर्टिकुलर महिला के लिए नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो इज एन अपॉर्चुनिटी कि जो बाकी महिलाएं हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके लिए भी एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव फिगर आ गया, तो उनके लिए भी एक आगे आने का मौका है. बिकॉज अगर आप किसी एरिया में जाएंगे, चाहे डेवलपमेंट की बात हो या कोई भी जरूरत की बात हो, आप और या घर के बाहर के जो मसले हैं, आप देखेंगे कि आदमी आके आपसे बात करते हैं, पुरुष आके आपसे बात करते हैं. तो जब एक महिला रिप्रेजेंटेटिव आ जाती है, तो वो औरतों के लिए मौका है कि उनकी जो जरूरतें हैं वो आके आपके पास सामने रख सके, और उनके लिए भी एक निकलने का, बाहर निकलने का एक मौका बन जाता है. उससे सेकेंडली क्या होता है कि जो भी थिंकिंग या जो भी सदियों से हमारी पेट्रियाकल थिंकिंग है या जो भी है, डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट अलग लेवल की होती है, फिर उन पुरुषों को भी डील करना है एक महिला से, करेक्ट? तो वह एक ऑटोमेटिकली एक माइंडसेट चेंज होने लगता है. सो I'll move away from politics for a second to tell you about my documentary जो मैं कर रही थी. तब सबसे पहले मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन आया था सरपंच लेवल पे, जब ये पंचायती राज आया था. तो मैं एक वुमन की स्टोरी फॉलो कर रही थी, एंड उस टाइम आपको याद है कि एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड था सरपंच पति, SP साहब. तो इलेक्शन महिला लड़ती थी, बट संभालते थे उनके पति, तो वो सरपंच पति वर्ड ही है ना एक. बट मैं जब गांव में भी जाती थी और मैं जब मिलती थी वैसे, कि ठीक है, आप वो चाहे आके अपना अंगूठा ही लगा रही है, आप यकीन नहीं मानोगे कि 2 साल के अंदर अंदर कितना चेंज हो जाता है. वो एक साल अंगूठा लगाती रहेगी, 2 साल अंगूठा लगाती रहेगी, वो फिर पूछेगी आपसे. तो चाहे सरपंच पति ही शुरू में आ रहे हो, लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे जब वो आया था लेजिस्लेशन, कि क्या होगा, सब सरपंच पति बन जाएंगे. बट मैंने ये देखा है अपनी आंखों से कि कैसे एक प्रोसेस है. वो एक दिन में आपने वो बन गई रिजर्व सीट पे, उसके हस्बैंड ने उसको इलेक्शन जिता दिया या गांव के पुरुष ने जिता दिया, तो एक दिन का चेंज नहीं है, ये एक प्रोसेस है. एक एम्पावरमेंट तो महिलाओं के आने से होती है, और एक रिप्रेजेंटेशन भी मिलता है महिलाओं को. कितना मुश्किल है और आसान है, सी, इन एवरी प्रोफेशन देर आर चैलेंजेस फॉर वुमेन. हाँ, हर प्रोफेशन में, चाहे जब अबाउट 15-20 साल पहले मीडिया में एक बर्स्ट हुआ था, जब मैं, आई रिमेम्बर जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी उस टाइम, और मैंने फिल्म मेकिंग चूज किया था, तो मुझे लोग कहते थे कि तुम किसकी तरह बनोगी, क्या बनना चाहोगे, मतलब there was no female director, or there was one female producer at that point of time. I don't even remember her name. Bonnie Kapoor's mother-in-law, I think. I don't nice know. Connection. I don't remember. Yeah, you know. So people like, "Tum kiski tarah? Who's your role model?" Even people like Farah Khan were not there. You know, she. So there were no role models, but it changed, na. So there are challenges in every profession, and similarly politics में भी it आसान नहीं है. You know, अगर आप किस level, कहाँ पे आप start कर रहे हैं, एक तरह से मैं अपने आपको lucky समझती हूँ कि मैंने एकदम grassroots level पे
स्टार्ट किया. मैंने कोई यू नो हेलीकॉप्टर एंट्री पॉलिटिक्स में करी नहीं कि ऊपर से आके बड़ा इलेक्शन आपने लड़ लिया. तो मेरे लिए मुझे सीखने को भी मिल रहा है इस लेवल पे. बट चैलेंजेस लाइक आई से इन एवरी प्रोफेशन देर आर चैलेंजेस. एंड सिमिलरली पॉलिटिक्स में भी चैलेंजेस हैं. ब्रेक मिलना, आगे बढ़ना, ट्रैवल, टाइमिंग्स फॉर वुमेन, एवरीथिंग बिकम्स डबल द वर्क एंड डबल द रिस्क. और प्लस अभी भी औरतों को होम मेकर देखा जाता है, तो पॉलिटिक्स में एंटर करना तो बहुत ही बड़ा स्टेप मान लिया जाता है. बट एट द सेम टाइम हमारे नेशनल सीन्स में आई थिंक वुमेन पॉलिटिशियंस काफ़ी हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो ईस्ट में हो, या मतलब कुछ टाइम पहले तक राजस्थान में थे वसुंधरा राजे और सोनिया जी तो है ही. नेशनल लेवल पे अबाउट 8% भी नहीं है, 4% है सॉरी पार्लियामेंट में. पार्लियामेंट में तो बहुत कम है, यू आर राइट. मतलब सीएम्स देयर हैव बीन सम वुमेन, सम नॉट मेनी बट सम वुमेन सीएम्स. जो कि मैं कह रहा था, वी हैव हैड अ वुमेन प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर एज वेल, या वी हैव हैड अ वुमेन प्राइम मिनिस्टर एंड वी डिडंट हैव एनी स्ट्रॉन्गर प्राइम मिनिस्टर देन इंदिरा गांधी. एंड वी हैव हैड, बट इवन डिस्पाइट दैट, सी व्हाट हैपेंस अनफॉर्चूनेटली व्हेन अ वुमेन इज इन दैट हाई अ पोजीशन, यू नो व्हेन शी इज हेडिंग द थिंग. इन इंडिया हम लोग डेटिफाई कर लेते हैं. You understand? So you are ready to worship the woman. You're ready to goddess. Yeah, you're ready goddess to worship Banale. The goddess and the woman who is now in the position of power and goddess at that high level. But you can't relate it ki to that woman to a woman. You understand? आप उसको एक डेटिफाई करके एक जगह रख सकते हैं, लेकिन आप बाकी women को वैसे visualize नहीं कर सकते. Which is why it is very important that from this grassroots level and at every level there is women representation. Urban level, urban municipal level pe ho, state level pe ho. Abhi aapki state legislative assemblies mein kya 3% bhi shayad women nahi. So which is why this thing of women's reservation and this women's reservation bill. I mean, ye sarkar ke paas to puri brute majority hai. एंड वो अपने आप को वुमेन का वो भी कहते हैं चैंपियन कहते हैं. मुस्लिम महिलाओं की तो स्पेशली वो बहुत हेल्प करना चाहते हैं. तो इसको रिजर्वेशन बिल भी पास कर दें तो इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. एक सेंसिटिविटी भी होपफुली आ जाएगी. वो तो होने नहीं वाला है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है. उनकी पॉलिटिक्स बहुत अलग है. तो एनीवे यास्मीन, देसो कुछ ऐसा एक सिचुएशन बता सकती हैं आपके तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से, कि कोई प्रॉब्लम आई हो और उसको जो मेल पॉलिटिशियन थे वो सॉल्व नहीं कर पाया, समझ नहीं पाए, बट उसी सेम सिचुएशन में, और मैं लाइव एग्जांपल प्रेफर करूंगा, उसी सेम सिचुएशन में कि हाउ डिड अ वुमेन पॉलिटिशियन एंड अ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव चेंज दैट सिनेरियो. कुछ ऐसा कुछ तो शायद किसी को समझ भी आए. सेम एग्जांपल बताती हूं जो मैंने आपसे शुरू में बात करी थी बाथरूम्स की. आपके हमारे कंट्री में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम सरकार का है, स्वच्छ भारत अभियान. सबने सुना है, सारे एक्टर्स उस पर बोल रहे हैं, उसके ऊपर फिल्म भी बनी है. मतलब इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट. प्राइम मिनिस्टर ने आपके रेड फोर्ट से बोला था कि उनका वही ड्रीम है कि बाथरूम्स बन जाए. और दिल्ली जैसे शहर में, जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको मालूम है कि बाथरूम्स कितने हैं और कितनी कमी है बाथरूम्स की. तो मैं अपने राउंड पे थी और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसमें मैंने आपको बताया, बहुत बड़ी है. मैं एक बड़ी पॉश कॉलोनी में राउंड लगा रही थी और दो महिलाएं जो कि हमारी एमसीटी की कर्मचारी थी, जो आपकी सड़कें वगैरह साफ करती हैं. आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग हैं जो ऐसे काम करते रहते हैं धूप में. वो मेरे पास आई कि दीदी आपसे बात करनी है. एंड मेरे साथ कुछ लोग थे, तो मैंने कहा हाँ बोलो. एंड उनका नहीं, दीदी थोड़ा अलग आ गए. एंड उन्होंने मुझे बोला कि दीदी बाथरूम नहीं है, कहाँ जाए. कि मैं सुबह घर से निकलती हूँ 7 बजे, या 7 बजे तो शायद ड्यूटी पे आना पड़ता है, तो सुबह जितने 5 बजे निकलती होगी, 4 बजे तक ड्यूटी करती होगी, और बाथरूम नहीं है, कहाँ जाए. कि आपका अगर महीना भी चल रहा है, पीरियड्स चल रहे हैं, तो आप कहाँ जाओगे. एंड यू नो आई वाज
really taken aback for a minute because again हम ये कितना granted लेते हैं ना कि bathroom तो है ही ना सबके पास और शहर में ये कोई गांव तो है नहीं जहाँ कोई खेत में जा रहा हो and तो मैंने पूछा आप लोग कहाँ जाते थे अभी तक they were like you know दीदी कोई है ही नहीं कभी उधर पेट्रोल पंप पे चले जाते हैं कभी हो तो जब मैंने ये काफी जगह ये इशू उठाया तो द थिंग दैट स्ट्रक मी वाज द इनसेंसिटिविटी ऑफ सो मेनी पीपल टू दिस प्रॉब्लम दे वर लाइक अरे है तो मेन रोड पे जो 1.5 किलोमीटर दूर था अगर किसी को बाथरूम जाना है तो पहले वो 1.5 किलोमीटर दूर चल के जाएंगे सो यू नो सो माय प्रायोरिटी एट दैट टाइम वाज At that time, I think somehow I also realized that how important it is for women to be in certain places. Because वहाँ से आके कह सकती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक महिला अपनी बढ़ावे के लिए इस position पे नहीं आ रही है, वो बाकी महिलाओं के लिए क्या कर सकती है, वो भी एक उसका important factor है. तो I feel something like this, वो मेरे से इसलिए बोल पाए थे क्योंकि मैं भी एक महिला थी और उनको शायद लगा था कि मैं कुछ करूँगी. एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर दो यहाँ मेन रोड पे एक पूरा टॉयलेट दो टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस एक्चुअली एक मेन के लिए और एक वुमेन के लिए बना दिया और उसके बाद हम यहाँ एक छोटा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप था जो उसको रोटेशन में चला रहा है. आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तकरीबन कितने लोग हैं? मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई लोग मतलब वोटर्स वुड बी अबाउट अ लाख. तो वो प्रोसेस कैसे आप करते हैं कि अगर मैं एक नॉर्मल सेक्स रेशियो भी मान के चलूं अगर 55-45 का तो 45 या 50,000 वुमेन एंड अदरवाइज मेन वोटर्स आल्सो तो उनके डिमांड और रिक्वायरमेंट जो हैं और जो दिनचर्या की समस्याएं हैं वो आप तक कैसे पहुंचती है? आपने कुछ मैकेनिज्म भी बनाया है इसका? आपके कार्यकर्ता लेके आते हैं या कोई डायरेक्ट आपके पास उनका कनेक्ट है आपसे? आई एम इन टच विद ऑलमोस्ट एवरीबॉडी डायरेक्टली एंड सी जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा मेरा जो वार्ड है वो दिल्ली का सबसे बड़ा वार्ड है एंड फ्रेंकली इतना बड़ा वार्ड होना नहीं चाहिए. वार्ड की जो जो डेफिनेशन है रिक्वायरमेंट आइडियली ऐसी होनी चाहिए कि एक जो कॉरपोरेटर है वो चल चल के अपना पूरा वार्ड कवर कर ले. मेरा स्टार्ट होता है अंसारी रोड दरियागंज में एंड ये भोगल जंगपुरा एक्सटेंशन जंगपुरा भोगल की तरफ पूरा सिद्धार्थ आश्रम तक जाता है. तो अगर आप एक सीधी लाइन ले लो तो मेरा अबाउट 11 किलोमीटर एक सीधी लाइन में वार्ड है और उसके बाद जो उसके आगे पीछे एरियाज. तो मैंने जो सिस्टम किया है फॉलो करती हूँ कि मैं हर रोज एक पर्टिकुलर इलाके में जाके बैठती हूँ रोज सुबह एंड बैठते भी हूँ और वहाँ पे मैं राउंड भी लेती हूँ ताकि और फिर वो सबको मालूम है कि आज मैं इस इधर हूँगी. तो आई लाइक मैं कहीं पर भी घुस जाती हूँ और मैं लोगों से डायरेक्टली मिलना पसंद करती हूँ एंड मेरा जो एक्सेस है माय फोन इज कॉन्स्टेंटली ओपन. जिसको भी चाहिए वो किसी वक्त भी मुझे फ़ोन कर सकता है एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज फ्रेंकली बिकॉज पहले मैं भी सोचती थी कि सबको कैसे पहुँचूंगी एंड आई डिडंट वांट इंटरमीडियरीज. बट इस साल देयर वाज सम सर्वे विच वाज डन बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी and I was awarded the third most accessible counselor. So I was like okay thoda theek chal raha hai. I would like to, I don't think if you even ask around meri constituency mein to accessibility is not an issue and I encourage people to call me directly chahe choti si choti bhi koi baat ho aur agar main unka resolve kar saku to ek unko bhi क्या कहते हैं सिक्योरिटी और संतुष्टि मिलती है कि हो गया किसी ने सुन लिया. एंड आर यू ऑन अ वेरी कैंडिड नोट यास्मीन जी आर यू अप फॉर रीइलेक्शन? अभी तो 2 साल हैं बट फिर भी कभी सोचा आपने? आई रियली डोंट नो. देयर आर डेज व्हेन आई एम लाइक ओ माय गॉड आई कैन नॉट डू दिस. The situation is so bad. It does get, there are so many things, so many days and so many times that I'm like, I can't do this, you know. But honestly, the thing which gives me the most joy and satisfaction is
when you're able to resolve somebody's issue which was frustrating the hell out of that person, you know, जो जिंदगी के हमारे जो ease of life जिसको आप कहते हैं ना, जो कि इंडिया में इतना है नहीं, एंड जो छोटे इश्यूज हैं, अगर अगर मैं किसी का जब मैं रिजोल्व कर पाती हूँ, देन आई फील लाइक, एंड यू नो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई मैंने छोटी सी किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और वो मुझे थैंक्स कह रहे हैं, आई एम लाइक आप मुझे थैंक्स यू कह रहे हो, मतलब दिस नथिंग, एंड देन लाइक ये नहीं हो रहा था, ये नहीं हो रहा था ना, देन आई फील दैट यू नो आप ऐसी पोजिशन में हैं जहाँ आप एक्चुअल माने में लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं, बट लेट्स सी. I think it's a very good note on which I think we can end our discussion. So I think it was wonderful, Yasmin ji, to, you know, for you to come on the show, take out your time, a valuable time. And please call me Yasmin. You'll make me feel very old if you keep saying Yasmin ji. ये देखिए मैं ना मेरा अभी आदत नहीं है पॉलिटिशियन से बात करने की. So I'll try to be. आपने तो मुझे बॉक्स में डाल दिया पॉलिटिशियन कह करके, मैंने तो स्टार्ट ही किया था कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल पॉलिटिशियन. आई एम सॉरी, बट इट वाज रियली रियली नाइस टॉकिंग टू यू वंदित, एंड आई होप पीपल फाइंड दिस इंटरेस्टिंग, एंड आई होप यू रीच मोर एंड मोर पीपल एंड कीप डूइंग द गुड वर्क. एंड कभी आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी तरफ आता हूं तो फोन करता हूं. प्लीज जब आपके बॉर्डर्स खुल जाएं, और definitely. जब आपके आप मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएगा एक फूड ट्रिप करने के लिए, दरियागंज में छोले भटूरे से शुरू कर निजामुद्दीन में बिरयानी तक आपको. डन डन. आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द शो. मुझे पता है शो काफी पॉलिटिकल हो गया था, खैर होना ही था, पॉलिटिशियन जो था शो पे. मैंने यास्मीन जी को क्यों बुलाया, उसका एक बहुत सिंपल रीज़न था, उनकी प्रोफाइल. इस देश में वुमेन पॉलिटिशियंस बहुत कम है, ऊपर से जब एजुकेटेड और प्रोग्रेसिव लोग पॉलिटिक्स में होते हैं तो उनसे बात करने का अलग ही मज़ा आता है. ये बात भी आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि यह शो उन लोगों को एक आवाज़ देता है जिनके पास शायद अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म नहीं है. कितने ग्राउंड लेवल पर यास्मीन जी काम करती है, अच्छा लगा जान के. ऑन दैट नोट आई मस्ट से आई फॉर्मली एंडोर्स वुमेन रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स. लाइट्स कैमरा आज़ादी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप मुझे ट्विटर पर रीच आउट कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है THONADIT. यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें लाइट्स कैमरा आज़ादी को, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, फेसबुक भी पेज है हमारा, फेसबुक पर भी लाइक करें. आपके कुछ फीडबैक है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं vandit.jain@outlook.com. आई होप यू आर एट होम, स्टे होम, स्टे सेफ. धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद. ओ हाँ, वेट, नेक्स्ट वीक हम विकास की बात करेंगे. बाय बाय.